सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन यस गुड मॉर्निंग वेलकम टू द सेशन सबका स्वागत है आज सैटरडे की क्लास है तो आज हम लोग वीकली रिविजन करते हैं है ना तो थोड़ा सा कुछ चार पांच न्यूज है जो न्यू पढ़ना है हम लोगों को और बाकी सारे जो हैं वो हम रिविजन करेंगे काफी सारे क्वेश्चन हैं तो हर दस सेट के बाद मतलब हर दस क्वेश्चन के बाद एक सेट कंप्लीट होगा और आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स हैं सो वेरी गुड मॉर्निंग ओमकार पूर्वी अवनीश ज्योति दीकू संगीता रजत रौनक आशुतोष सोनाली मलिका पारस हिमांशु वेरी गुड मॉर्निंग चैतन्य आनंद कुंदन निधान सृष्टि चलिए शुरू करते हैं ठीक है विदाउट एनी टाइम वेस्ट सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टूडे थॉट अ विनर इज ड्रीमर हु नेवर गिवस अप यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सपना देख रहा है लेकिन कभी सपना देखना नहीं छोड़ेगा और सिर्फ सपना नहीं देखेगा अपने सपने के लिए मेहनत भी बहुत सारा करेगा वो है आज का कोटेशन और वही कहलाता है तो, अगर आपको बनना है तो आप कभी भी क्विट मत कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हर टेन क्वेश्चन के बाद एक सेट होगा और मैं आपसे मार्क्स पूछूंगी यू विल टेल मी द मार्क्स हेमंत आपको बी वेरी गुड मॉर्निंग चले कॉम बैक डेजर्टिफिकेशन के लिए डेज है आई नो यू डोंट लाइक द डेज क्वेश्चन बट स्टिल के लिए सत्रह जून है ठीक है सत्रह पे खतरा और सत्रह डेजर्ट राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टूगेदर इस बार का थीम है इसको याद रखिएगा 1994 से ये मनाया जा रहा है ओके okay? क्लियर है कॉम्बैक डेजर्टिफिकेशन यानी मनुस्थली कम करना ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर लोगों का गलत हो गया आंसर ध्यान रखो कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कॉम्पिटेटिव इंडेक्स यह बताइए स्किल वाला नहीं अभी नया जो है वो स्किल का आया है ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है क्या होगा आंसर बिल्कुल थोड़ा सा गलत कर रहे हैं आप लोग देखिए 37 रैंक है ठीक है तो हम लोग अच्छा पोजीशन आया है हमारा पहले हम लोग फोर्टी थर्ड रैंक पे थे अब हम थर्टी सेवेंथ रैंक पे चले गए इसको याद रखिएगा ये आपका सब सेकेंड क्वेश्चन है डेनमार्क जो है वो टॉप पोजिशन पे क्लियर और पहले स्विट्जरलैंड टॉप पे था लेकिन अब वो सेकेंड पे आ गया तो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इंडेक्स आया है इस पे हम थर्टी रैंक पे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चीफ सेक्रेटरी तो जितने भी स्टेट के हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो गए हैं और एक जगह मिले हैं तो आपको बताना है कि जो भी सबसे ऊँचे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं देश में हर एक स्टेट से तो वो धर्मशाला में मिले हैं इसको ध्यान रखेंगे और ये जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड मोदी जी ने इसको चेयर किया है और हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला क्रिकेट का मैच भी होता है वहां पे यहाँ पे ये सारे आके मिले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एस पाटिल जी लोकायुक्त बने हैं किस स्टेट के लोकायुक्त बने हैं बी एस पाटिल जी गाइस थोड़ा सा जल्दी करेंगे सैटरडे को एक्चुअली हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं सौ क्वेश्चन का टारगेट है एक्चुअली इससे ज्यादा का टारगेट है। देखते हैं आप लोग कितना बताते हैं तो ये कर्नाटका है बी एस पाटिल जी कर्नाटका के लोकायुक्त बने हैं इनको ध्यान रखिएगा कर्नाटका के गवर्नर ने थावरचंद गहलोत जी जिन्होंने इनको ओथ दिलाया यानी कि लोकायुक्त को जो गवर्नर है वो ओथ दिलाते हैं और लोकपाल को प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं और आप जानते हैं कि बुमाई जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं राइट तो बासवराज बोमई चीफ मिनिस्टर हैं ये हो गया कर्नाटका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओ ए आई सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं तो जितना भी आपका टेलीकॉम कंपनी है उसका एक गठबंधन है यस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम असम ओके तो उसका एक गठबंधन है और यहाँ पे प्रमोद के मित्तल आप लोग को अच्छे से याद है गुड लेकिन रिविजन भी बार बार करना पड़ता है या आप लोग तीसरी बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि मैं एक दिन पढ़ाती हूँ फिर उसी दिन पूछती हूँ और फिर अगले दिन रिवाइज और फिर सैटरडे को फाइनल रिवाइज ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये बन गए नए चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सी ओ ए आई प्रमोद के मित्तल प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस जियो बन गए गे। क्लियर गे। है वेरी गुड इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है तो ये रिलायंस जियो के थे अब ये सबके बन गए हैं प्रेसिडेंट एसोसिएशन के क्वेश्चन नंबर सिक्स वेयर हैज एशियाज लॉन्गेस्ट टूथ लिफेंट एक ऐसा हाथी जिसका दांत बहुत लंबा था एशिया में सबसे लंबा था 2.5 मीटर तक था बोगेश्वर इनका निधन हो गया है बोगेश्वर कहाँ पे थे तो बोगेश्वर तमिलनाडु में नहीं थे ठीक है बोगेश्वर थे कर्नाटका में ठीक कर्नाटका में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बोगेश्वर रहते थे यहाँ पे इनका निधन हो गया है 2.54 मीटर और 2.34 मीटर दो दांत इनके काफी लंबे थे ठीक है इनको मिस्टर काम काबिनी भी कहते हैं काबिनी नदी के पास थे तो मिस्टर काबिनी कहते हैं क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी ट्वेंटी जो आपका मैच हुआ इंडिया का आयरलैंड के खिलाफ तो आप बताइए कि इसमें हमारे कैप्टन कौन थे ये वही हैं जिनको ग्रेड ए से ग्रेड सी में डाला गया है कुछ दिन पहले तो यह है हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या आपके कैप्टन थे और आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन यहीं पे आप ये लोग गए थे मैच हुआ आयरलैंड का ओके okay. नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम यानी कि जो लोग पढ़ नहीं पाए उनके लिए लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए तो नाम से बता सकते हो ये तमिलनाडु है पढ़ाई की बात है तो तमिलनाडु ही होगा या फिर केरला होगा तो यहाँ पे कोशिश यह किया गया है कि किताब दिया जाए बच्चों को फ्रॉम क्लास वन टू थ्री ताकि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई इन बच्चों को जो पढ़ाई से और पास लाने के लिए फिर पूछा जा रहा है आपसे कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर अब ये एयरपोर्ट डिपेंड कर रहा है और ये पहला है अपने तरह का तो ये कौन सा है ये आपका मुंबई एयरपोर्ट है तो मुंबई एयरपोर्ट भी पूरी तरह से ग्रीन एयरपोर्ट बन रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है और भारत का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो कि वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड को इन्होंने यहां पर बनाया है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अपेडा अपेडा क्या करता है कि जो भी चीज हम एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते हैं ना किसान होते हैं उसको और सुंदर मतलब पैकेज वगैरह करके उसको एक्सपोर्ट करता है तो एग्रीकल्चर को प्रमोट और एक्सपोर्ट करने का यह डिपार्टमेंट है अपेडा ने अभी आठ दिन का मैंगो फेस्टिवल किया है आम का हम लोगों ने फेस्टिवल किया है ताकि मैंगो को और बूस्ट किया जा सके दुनिया भर में चौंतीस वेराइटी थे यहाँ पे और ये हुआ बहरेन में बहुत बढ़िया तो चौतीस वेराइटी अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या अथॉरिटी तो ये बहरेन में हुआ चौंतीस वैरायटी जो कि वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश उड़ीसा से आए थे तो ये थे आपके पहले दस क्वेश्चन जो कि हमने इस पूरे वीक पढ़े अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से आपके कितने सही हुए चलो एक क्वेश्चन का दूध भात हम दे देंगे वो डे दे वाला डेजर्टिफिकेशन जो कि 17 जून को है बाकी सब आप बताइए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका आठ में आठ सही बहुत सही दस में दस भी सही है एक्सेलेंट चलें तो अब हम करते हैं सेट नंबर टू अच्छा डेट भी तुग्गा से सही हो गया बहुत सही तो अब हम करेंगे नंबर टू वाला ठीक है सेट नंबर टू फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंपनी है जिसने विमेन यूएन विमेन टू क्रिएट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन तो जो औरतें हैं उनको और रोजगार देने के लिए इस कंपनी ने यूएस डॉलर पांच लाख रुपए खर्च किए तो ये कंपनी है गूगल गूगल ठीक है ओके नेक्स्ट हु हैज वन मेन सिंगल टाइटल तो एक स्टूड गार्ड जगह है यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल लॉन टेनिस का है ये ठीक है तो आपको पता है कि किसने जीता है अभी अभी बहुत बढ़िया तो ये जीतने वाले हैं मेटियो बेरेंटी ठीक है एंडी मेरे को हराकर इन्होंने जीत लिया है कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता है वही कहानी है यहाँ पे और विमेन में यही है अभी तो वर्ल्ड नंबर वन एश्ले बाटी जब से रिटायर की हैं तो वर्ल्ड नंबर वन ईगा सुवेतेक जो है वो पोलैंड की है एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इस साल 25 साल के एज में उन्होंने संन्यास ले लिया है ठीक है तो हम लोग जहाँ शुरू करते हैं एश्ले बार्टी वहाँ खत्म करती है ठीक नेक्स्ट तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट धोलेरा धोलेरा एक जगह है और यहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा इसका मतलब ये है कि शुरू से बनेगा आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे थोड़ा सा शेयर कर देंगे एक्चुअली आज मैंने भी शेयर नहीं किया बहुत सारे बच्चों को लिंक ही नहीं मिला होगा तो आप प्लीज उसको कर दें ताकि सारे बच्चे यहाँ पे आ जाए धोलेड़ा में शुरुआत से एक नया एयरपोर्ट बन रहा है ब्राउन फील्ड होता तो उसका मतलब होता है कि पहले है अब तोड़ फोड़ के नया बनेगा लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि अब शुरू से बन रहा है ओके नेक्स्ट तो ये कहा है ये आपका गुजरात में धोलेड़ा इज इन गुजरात ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक ब्राउजर जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर था बचपन में आप लोग यूज करते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे ई लिखा रहता है, है ना तो इसको बंद कर दिया आज वैसे गूगल का डूडल जो है वो एनी फ्रैंक के बारे में कहता है एनी फ्रैंक एक जुइस थी और हिटलर जुइस को जब मार रहे थे है ना खत्म कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो सब हुआ होलोकास्ट तो उस समय उन्होंने एक डायरी लिखा था आज गूगल का डूडल उसी के बारे में बताइएगा कि क्या है ठीक है तो ये देखिए 27 साल नाइनटीन से था ये तो 27 साल बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 टिल 2022 थाउजेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियन तो हमारे देश से कौन गया नागालैंड में फर्स्ट टाइम एक विमेन एमपी बनी और वो हमारे देश को रिप्रेजेंट की जो भी यंग पार्लियामेंटेरियन है सांसद हैं उनकी मीटिंग हुई है ये मीटिंग कहां पे हुई है ये इजिप्ट में हुई है ठीक है और हमारे देश से फेगोन, कोनय देखिए अब न्यूज में पूछा जा सकता है राज्यसभा में ये एम बनी है नागालैंड से फर्स्ट वेमेन ठीक है तो इन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया और इनके साथ और भी दो लोग गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली के स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाया है ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टेट या यूटी ने तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का ज्यादा माड़ा माड़ी जो है वो दिल्ली में रहा और दिल्ली में ही इसको बढ़ाया गया और ऑक्सीजन फैसिलिटी जैसे बी पंत और इस तरह के हॉस्पिटल्स में इसको बढ़ाने की बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन विथ स्टेट हैज अप्रूव पीलीभी टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन पीलीभी जो कि लखीमपुरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है समझ जाओ वही क्वेश्चन है तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की जा रही है लखीमपुरा डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत को अब पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा 14 जून 2022 को यह अप्रूव किया गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको किया जाएगा अगर मैं आपसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछूँ तो क्या आप उसका साल बता सकते हैं कि किस ईयर का होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आया है क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम एक में भी आया है अच्छा आप यहीं से हैं हाँ किस साल है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वेब सीरीज भी काफी डिस्ट्रिक्ट नॉलेज होती थी है ठीक है? 1986 का है 1986 का एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ठीक है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है इसको ध्यान रखेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे फाइंडिंग एप्लीकेशन तो वे फाइंडिंग एप्लीकेशन यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग ने अभी अभी इसको बनाया है किस स्टेट का है ये ये तो वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पे ये। भारत का कैबिनेट और यूनाइटेड नेशन ने, ने मिलकर वे फाइंडिंग एप्लीकेशन इसको बनाया है ठीक है हाँ जिसका ऑफिस तो आपको पता ही है जनेवा में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है कहा जा रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम को जल्द से जल्द भारत में लाया जाएगा तो कितने साल कितने साल हम तो बूढ़े हो जाएंगे आप लोग रहेंगे तो बताइएगा 20 साल बाद है है ना 20 साल बाद यूनाइटेड ये हमारा कैबिनेट ने कहा है कि प्रपोजल अप्रूव हो गया है और ऑक्शन 72 गीगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे 20 साल बाद आएगा 5G जो कि 10 टाइम फास्टर रहेगा 4G से ठीक है अभी तो फोर जी ही चल रहा है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर तो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर का जो लोकेशन है वो कहां पे बनाया गया है अच्छा ओके okay. हाँ, बीस साल के लिए ठीक है यहां पे शायद मैंने कुछ बोल दिया दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ बीस इयर्स हाँ। ट्वेंटी ईयर पीरियड के लिए इसको लॉन्च किया गया बीस बा, साल बाद नहीं ट्वेंटी ईयर पीरियड ठीक है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर ये आपका कहाँ पे है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कोलंबो में तो श्रीलंका में फिफ्थ समिट बिम्स्टेक का हो रहा है और ये आपका ट्रांसफर सेंटर कोलंबो में ओके okay? और फोर्टीन समिट ब्रिक्स का कहाँ पे हो रहा है ये बताइए में और ब्रिक्स में आप कंफ्यूज करते हैं वही हमको भी लगा फाइव जी तो अभी भी यूज होता है ठीक ये बताइए चाइना में गुड फोर्टींथ जो है वो चाइना में हो रहा है तो ये हो गया आपके दस क्वेश्चन और अब आप अपना अपना स्कोर बता दीजिए जल्दी से ठीक है दस दस क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं हम लोग आज अपना अपना स्कोर बता दीजिए फटाक से ओके okay. तो अच्छा स्कोर है यानी कि आठ नौ दस नौ ज्यादा दिख रहा है दस वेरी गुड चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दो तीन न्यूज है सुन लीजिए ये स्पीड टेक्स ग्लोबल इंडेक्स है ठीक है तो यहां पे आपको दिख रहा होगा नॉर्वे सबसे ऊपर है फिर नीदरलैंड है फिर हंगरी है फिर सिंगापुर है फिर मालता है भारत कहां है तो भारत कहां है वो अभी हम लोग देखेंगे ठीक तो यहां पे पूछा बोला गया है कि ओकला स्पीड टेक्स ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक 115 है। तो जो आपका नेट चलता है उसमें भारत कितना 14.28 MBPS, यानी कि MB पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकेंड का डाउनलोड स्पीड है और ये मंथ ऑफ मे को देखा गया है जो कि अप्रैल से थोड़ा अच्छा है अप्रैल में 14.19 तक का था और इस तरह से हमारा पोजीशन जो है 115 है ठीक है और एक और न्यूज आप देख लीजिए आम की बात हो रही है आ गया मौसम आम का तो पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसको अभी अभी लॉन्च किया है इंडियन मैंगो जो कि दुनिया भर में फेमस है यूरोप में इसको लॉन्च किया गया है मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम में ओके okay? नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पे ट्रेन चल रही है भारत गौरव तो भारत गौरव कहां से कहां तक चली तो ये देखिए भारत गौरव इंडिया से नेपाल टूरिज्म ट्रेन को चलाया गया है रामायण सर्किट यहां पर देखा गया जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन नेपाल में बिहार से इसको चलाया गया 500 पांच सौ टूरिस्ट भारत से बैठे हैं इसमें तो अब आप बताएं कि ओखला स्पीड टैक्स अभी ये क्वेश्चन नंबर वन फिर से शुरू हो गया तो अब ये आपका थर्ड सेट है हां बिल्कुल हां सबके लिए तो so, 115 रैंक है आपको तो समझ में आ ही गया है कि जो इंटरनेट का स्पीड है उसमें हमारा रैंक 115 है नेक्स्ट तो ये 115 है ठीक है कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हम अभी अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जीते हैं तो हम पहले ही बता दें तो विच कंट्रीज वुमेन रेस्लिंग टीम ने इसको जीता है एशियन चैम्पियनशिप अभी अभी बताइए तो ये हमारा ही प्यारा सा देश है भारत भारत ने अभी अभी इंडियन वुमेन ने पांच मेडल से ये पढ़ चुके हम लोग है ना विशेष किर्गिस्तान में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप को जीत लिया है जिसमें हमने टोटल 235 पॉइंट्स बनाए हैं आठ गोल्ड एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ ओके नेक्स्ट रशिया के जर्नलिस्ट दिमेत्रे मोरतावे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला तो अब आप बताएं कि ये जो मोरतावे हैं जर्नलिस्ट और आप जानते हैं कि एक एशियन देश की भी इनको भी मिला था तो वो उन्होंने किस बच्चों की हेल्प की थी कहाँ के बच्चों की हेल्प की थी तो ये रशिया के हैं तो इन्होंने यूक्रेन के बच्चों की हेल्प की थी और इनको इस साल आप जानते 2021 दो हजार का नोबल पीस प्राइज से इनको नवाजा गया था ठीक नेक्स्ट फिर आप बताएं कि वाणिज्य भवन वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स कल पढ़े हम लोग इसके बारे में तो इसका न्यू परमिसेस यानी कि नया जगह ये खुल रहा है आप बताएं कि वाणिज्य भवन को खोलने वाले कौन से मंत्री हैं हमारे तो वाणिज्य भवन को यहाँ पर मोदी जी ने इसको खोला है और ये निर्यात के ओकेजन में इसको लॉन्च किया गया है निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आएगा लेकिन उद्घाटन तो मोदी जी ही करेंगे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बताएं डिजिटल नोमैड डिजिटल नोमैड वीजा नोमैड मतलब होता है खाना बदोश ऐसे नोमैड कल्चर आप पढ़ते होंगे कि जो एक जगह टिकते नहीं है हर जगह अलग अलग जगह जाते हैं अच्छा तो ये आप बताएं कि ये किस कंट्री के बारे में है तो नोमैड वीजा को अनाउंस करने वाला देश है इंडोनेशिया इंडोनेशिया सून ऑफर कर रहा है कि जो रिमोट वर्कर हैं वो टैक्स फ्री इनके देश में आके रह सकते हैं तो ये है डिजिटल नोमैड इसकी बात की जा रही है आजकल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने अभी अभी किस डिजीज को अभी रिसेंट किस डिजीज को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोला है हाँ थैंक यू थैंक यू खाटू जी थैंक यू तो ये बताएंगे आंसर दे दीजिए ये लुकिंग ब्यूटीफुल लुकिंग हैंडसम से कोई फायदा नहीं है ठीक है कोई जब सी डी एस का सी ए पी एफ का रिजल्ट आएगा एफ कैट का तो आपका रिजल्ट अच्छा दिखना चाहिए दैट इज़ द मेन एजेंडा बहुत जल्दी आपके यूट्यूब पे भी मैं थ्योरी क्लासेस लेके आऊँगी बहुत सारे जो चैप्टर्स मिस हुए हैं उसको भी कंप्लीट करवाना है है ना तो एक चीज़ है कि इस संस्थान के साथ डिफेंस अर्टर ट्वेंटी फोर सेवन के साथ आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चाहे आप एफ़ कैट सी ए पी एफ सी डी एस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना ओके okay. ज बीन मिस्ड विल बी कम्पलीटेड और इच एंड एवरी क्वेश्चन और ये इमरजेंसी बाई डब्ल्यू एच ओ इसको इंडिकेट कर रहा है नेपाल गोलफ ट्रेन जो फ्लैग ऑफ की गई है ये कहा से की गई है ये कहा से की गई है पटना से इलाहाबाद से कानपुर से या न्यू दिल्ली से तो इसको कहां से फ्लैग ऑफ किया गया है इसको न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट के थ्रू ये जाएगा जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन नेपाल 500 टूरिस्ट भारत गौरव ट्रेन में बैठे है. ठीक है चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूर्य नूतन कल हमने आपको कल या परसों आपको एक कुकर दिखाया था तो मतलब वो दिखाया था वॉशिंग मशीन जो मैंने बोला था कि लग रहा है वॉशिंग मशीन जैसा लेकिन था वो सूर्य नूतन याद है अच्छा घूम के आओगे ठीक है मेरे लिए भी कुछ लेते आना तो आप बताओ सूर्य नूतन याद है वॉशिंग मशीन जैसा फोटो था एक हाँ तो वो किस कंपनी का था वो ओ ओ सी एल का था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का था सूर्य नूतन याद रहेगा ये चले बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष गोयल जी ने इनोग्रेट किया है मैंगो फेस्टिवल क्या आपने पता आपको पता है कि ये कहां पे किया गया है हाँ बिना सिटी के खाना बनेगा वेरी गुड तो ये कहां पे किया गया है पीयूष गोयल जी ने इसको कहां पे कहाट किया है जल्दी से बताएंगे अभी अभी पढ़े हम लोग पीयूष गोयल जी इसको बेल्जियम में इनग्रेट किया है बेल्जियम में इसको इनॉग्रेट किया गया है क्लियर रहेगा ये बात हाँ तो अग्निवीर योद्धा जल्दी जल्दी आंसर दो अग्निवीर और भी बीच में रेल वीर, रेल रेलवीर का भी हल्ला हो गया था एन आई पी एफ पी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी तो ये बताएंगे कि इसके डायरेक्टर कौन बन गए इसका ज्यादातर आंसर आप लोगों का गलत होगा लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बाकी लोग दूसरे चीज के लिए न्यूज में रहे जैसे कि स्वाति ढिंगड़ा आप पढ़ चुके हैं किसी और चीज के लिए न्यूज में रहे स्वरूप कुमार शाह किसी और चीज के लिए न्यूज में रहे याद है स्वाति ढेंगड़ा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड वहां पे मेंबर थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके आप बता सकते थे कि कविता राव आपने नहीं पढ़ा होगा तो अब ये पिनाकी चक्रवर्ती को रिप्लेस करके बन जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी अब आप बताएं फॉर अ पीरियड और पांच साल तो अब आप बताएं कि इस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए साइंस नहीं है तो क्यों नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है साइंस नहीं है तो आर्ट्स एंड कॉमर्स क्लर्क वाला जो एग्जाम होगा अग्निवीर में तो वो तो सबके लिए है ठीक है तो इसमें थोड़ा सा आपका गलत हो गया है फिर मैं कितना समझाया कि अंकल एग्जाम हाँ वही तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाया अग्निवीर के सिलेबस पे तो आप लोग का होगा अगर साइंस कॉमर्स है आर्ट्स है कुछ भी है ठीक है चले तो ये आप देख सकते हैं यहां पे इसमें आपका सेट समझ में आ गया आपको अब हम इस साइड आ जाते हैं नेक्स्ट पूछा जा रहा है देखिए थोड़ा सा पुराना है ये दिसंबर जनवरी का भी कवर करना मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो धीरे धीरे करके उसको भी कवर करने की कोशिश की गई है विच योजना वॉज प्रीवियसली नोन एज स्वाविल्बन स्वालंबन योजना तो स्वालंबन योजना पहले था लेकिन अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ये अटल पेंशन योजना के बारे में है बोला जा रहा है कि 2010 में एक स्वालंबन योजना लॉन्च किया गया था जिसको बाद में नाम दिया गया मोदी सरकार में अटल पेंशन योजना इसके तहत क्या होता था कि पी एफ आर डी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट में अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे स्कीम के तहत जो भी बुजुर्ग लोग थे तो एक इन्वेस्टमेंट किया गया जिसमें 10, जिसमें हज़ार एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 12000 पर एनम तो ये लोग जमा करते थे और फिर जो है सरकार भी उसमें पैसा डालती थी और जो सिटीजन है वो 18 से 60 साल वाले जो हैं वो इसको इसमें जमा करते थे पैसा और फिर उनको पेंशन दिया जाता था लेकिन अब ये अटल पेंशन मी ये 18 से 40 साल इसको कम कर दिया गया। मतलब साल पहले था, था, जब ये स्वालंबन योजना यूपीए सरकार में, अब ये हो गया चालीस साल तो अब आप सोच रहे हैं कि कोई भी चीज को बहुत हल्ला करके बड़ा बनाना कितनी बड़ी बात है यूपीए सरकार में भी स्वालंबन योजना था जिसमें हम पैसे जमा करते थे यानी कि साल भर में बारह हजार तो बारह हजार रुपए जमा करते थे और फिर सरकार भी उसमें कुछ पैसा लगाती थी, थी और हमको पेंशन मिलता था लेकिन एनडीए सरकार में क्या हुआ ये अठारह से चालीस हो गया दो में और क्योंकि इसको बहुत ब्रांडाइज किया गया तो हम लोग को अटल पेंशन योजना पता है लेकिन क्या हम लोग को स्वलंबन योजना पता है नहीं पता है है ना ठीक है मेरा साइंस बट मैथ्स नहीं है ठीक है तो एक ही आपका स्कीम हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2021 की बात है फ्री स्मार्टफोन योजना कहा बात की गई थी हां सबका रिप्लाई दे रहे हैं रुको एक सेकेंड क्या होता है ना कि जब ज्यादा क्वेश्चन होता है मैम पेड बैच में अलग से क्या पढ़ाया जाता है तो पूरा थ्योरी और कंसेप्ट जेई का तो बहुत अच्छा चल रहा है पेड बैच ए आई का डीडीए का चले तो ये फ्री स्मार्टफोन योजना जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की है उत्तर प्रदेश ने 25 दिसंबर 2021 को कहा कि जो भी स्टेट में फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के या उससे ऊपर के तो उनको ये फ्री में स्मार्टफोन देंगे राइट तो एक लाख स्मार्टफोन दिया गया बीटेक बीए, बीएससी, एमए, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये लखनऊ में इसको अनाउंस किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी भारत में कहा बना रेल यूनिवर्सिटी तुमको भी मिला था स्टेडियम में अच्छा वाह हम इंडिया से हैं सही बात बच्चों ने उसको लेकर बेच दिया वाह ठीक तो ये रेल यूनिवर्सिटी देखिए गुजरात में खुला है नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि गार्बेज कैफे गार्बेज कैफे कहां पे खुला था याद है स्टेट तो गार्बेज कैफे जो है ये छत्तीसगढ़ में खुला था नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफे जिसमें इन लोगों ने क्या किया कि जो भी पुअर हैं जो भी गरीब लोग हैं और वो कचरा ला कर जो उठाते हैं ना पिकर्स तो वो लाकर अगर एक जगह जमा करते हैं कचरे को तो उनको खाना दिया जाता था ठीक है तो फूड वॉज प्रोवाइडेड अगर गरीब लोग एक जगह लाकर इसको करते हैं और ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है जो कि ऑलमोस्ट सेकेंड सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी था इंडिया का इंदौर के बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन तो स्मार्टफोन से वोट कर सकते हैं आप लोग ये किस स्टेट का शुरुआत है किस स्टेट में इसको शुरू किया गया देखो जल्दी थोड़ा सा करो जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है तो ये है आपका नहीं देखो कर्नाटका नहीं का है तेलंगाना है ठीक है पढ़े थे हम लोग ऐसे मत करो तेलंगना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के तहत यह पूरा आपका स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन शुरू किया गया नेक्स्ट है सहाय स्कीम सहाय स्कीम जो कि जो माओस्ट यानी कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है भारत में वहां पे जो बच्चे हैं यंग स्पोर्टिंग टैलेंट उनको यह प्रमोट करने की बात की जा रही है क्या मैं ट्वेल्थ बायोलॉजी से पास हूं मैं एयरफोर्स में एलिजिबल हूँ बिल्कुल बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग एक बार देखिए तो हम लोगों ने इस चैनल पे सबके बारे में अग्नि वीर अग्नि वायु सबके बारे में बात की हाँ जी तो ये आप बताएं कि मायोस प्रभावित एरिया ये कहाँ पे बात हुई है ये झारखंड में ठीक है झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी हैं चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने कहा है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेशिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय स्कीम को लाया जाएगा जिसमें लड़के और लड़कियां जो कि 14 से 19 साल के बीच में हैं और ये फ्रॉम विलेज टू वार्ड लेवल इनको रजिस्टर कराया जाएगा और इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा चाहे जाएग वो बास्केटबॉल खेले वॉलीबॉल खेले जो भी खेल खेले तो उसके लिए ठीक है चलिए झारखंड एक्चुअली बिहार से काफी इम्प्रूव किया है स्पोर्ट्स के मामले में साई जो है वहां पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब है आपसे हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड किस स्टेट में पूरी तरह से बिजली सौ प्रतिशत तक दी जाएगी ये बताएंगे जल्दी से हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड तो यह स्टेट कौन सा है इसमें आप लोग अलग लगता है नंबर कम आएगा क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स गुजरात यस yes. ऑप्शन देख के भी समझ जाओ अब देखो तिलहन एक होता है दलहन और एक होता है तिलहन तो दलहन में होता है दाल तो तिलहन में क्या चीज उगाया जाएगा जल्दी से बताइए तो तिलहन में आपका ऑयल सीड उगाया जाएगा तो तिलहन जो है ये न्यूज में आप सुने होंगे ऑयल सीड के लिए रॉबर्ट गोलोब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किस कंट्री के तो ये तो आपको पता ही होगा रॉबर्ट गोलोब प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के बने काफी बार हम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ रहे हैं तो सुनिए सोलोवेनिया के स्लोवेनिया के ये बन गए हैं पद्मश्री बीना पानी मोहंती जी का निधन हो गया बीना पानी मोहंती जी क्या थे तो ये बीना पानी मोहंती जी जो है राइटर थे अब ये हो गया आपके दस क्वेश्चन और यानी कि तीसरा सेट इसमें आपके कितने मार्क्स आए ये आप बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस अपना मार्क्स बताएंगे जल्दी से गाइस ठीक है आप एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं चाहे आप एयरफोर्स का भी भरिए नेवी का भी भरिए आर्मी का भी भरिए सब का भर सकते हैं चलिए तो इसमें आपके थोड़े कम मार्क्स आए हैं कोई बात नहीं नेक्स्ट सेट में आप कोशिश करें अब कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी दर प्रियोडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे के अनुसार कितना है भारत की बेरोजगारी दर कितनी है तो भारत की बेरोजगारी दर कितनी होगी 4.2 परसेंट बहुत बढ़िया नेक्स्ट तो 4.2 परसेंट ठीक है अनइंप्लॉयमेंट रेट अमंग फीमेल डिक्रीज किया है 4.2 परसेंट तक ओके okay. और ओवरऑल अगर आप देखेंगे फीमेल को हटाकर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत में ये दो परसेंट घटा है ठीक है दो परसेंट घटा है यानी कि 4.5 परसेंट ये ओवरऑल है और विमेन में ये कम है तो मेल में 4.5 और फीमेल में 4.2 लंपी स्किन डिजीज फिफ्टी परसेंट नहीं है एग्रीगेट कितना है एग्रीगेट थर्टी थ्री परसेंट है कम से कम लंपी स्किन डिजीज एग्रीगेट कितना है आपका आशीष देखिए गाय भैंस में ये बीमारी गुजरात में शुरू हुई है लंपी स्किन डिजीज द्वारका जामनगर क्षेत्र में नेक्स्ट देखिए एक नया स्पीशीज घेंगा का स्नेल का मिला है जिसका नाम है देखिए शादरी से ही आप पकड़ लीजिएगा शादरी जो है ये वेस्टर्न गार्ड्स को कहते हैं तो शादरी कहा गया है क्यों क्योंकि ये जगह मिला है तो वेस्टर्न गार्ड्स में बाकी ये ईस्टर्न घाट में है ये तो ऊपर है ये भी ऊपर है तो कहां हो सकता है वेस्टर्न घाट सिर्फ आपका कहां है महाराष्ट्र में है तो ये आप जगह से भी इसको पकड़ सकते हैं मेघालय था होता तो मेघालय करते ठीक चलो तो ये घेंगा का प्रजाति है रिसेंटली नीरज चोपड़ा जी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है जैवलिन थ्रो में भाला फेंकने में बिल्कुल गोल्डन आर्म्स कहते हैं इसको ठीक तो इनको कहते हैं मैन विद गोल्डन आर्म्स एटी नाइन पॉइंट थ्री जीरो मीटर तक का इन्होंने भाला फेंका है गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव तो हम एक देश से कुछ बच्चे को आदान प्रदान कर रहे हैं गांधी जी जो कि महात्मा गांधी जी हो गए और वहाँ पे मार्टिन मार्टिन लूडन मार्टिन लूदर किंग हो गए तो ये जो है कहाँ का है अमेरिका का है यूएसए का ये एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके तहत 20 बच्चों को एक्सचेंज किया जाएगा और वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनेगा ड्रोन पॉलिसी पहला स्टेट जिसने ड्रोन पॉलिसी को हामी भर दी है तो ये कौन सा स्टेट है देखिए आप लोग एक गलती कर रहे हैं मंडे को जो पढ़ाते हैं ट्यूजडे को आप लोग रिवाइज करते हैं फिर सैटरडे तक रिवाइज करते हैं तो ये इस महीने का तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन पिछले महीने का क्या तो एक छह महीने का करंट अफेयर सेशन लाना पड़ेगा ठीक है तो ये देखिए आप हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी को अभी अभी हामी भरी है ठीक है और ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है जयराम ठाकुर नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहां पे बताएं ये हो गए कितने क्वेश्चन हो गए आपके छे सेट में ठीक है तो छह सेट ये छह क्वेश्चंस का कितना आंसर हुआ आपका कितना मार्क्स हुए आप बता दें तब तक हम लोग दूसरा सेट भी शुरू करते हैं फिर आपसे पूछा जा रहा है गैस्ट्रोनॉमी यानी कि अच्छा खाना सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी गैस्ट्रोनॉमी जो सिटी है वो हैदराबाद है तो यहां पर गैस्ट्रोनॉमी दिवस जो है वो आपका अट्ठारह जून को मनाया जाता है ठीक है तो आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग फूड फूड से रिलेटेड गैस्ट्रोनॉमी नेक्स्ट औस, ऑस्टिक प्राइड डे तो जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन उनको भी इज्जत पूरी देनी चाहिए हाँ बिल्कुल मैं संडे को एक सिक्स मंथ का पूरा मैराथन लेके आ रही हूं प्लान तो यही है तो ये ऑस्टिक प्राइड डे जो है संडे कल ही है वैसे जून अट्ठारह को होगा जून अट्ठारह को ऑस्टिक प्राइड डे इंक्लूजन इन वर्क प्लेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन पोस्ट पैंडमिक वर्क ठीक है ये ऑस्टिक प्राइड डे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड सी टर्टल इज ऑब्जर्व ठीक है या तो इस जाएगा, जल्दी मतलब आई एम जस्ट प्लानिंग एक बार कंफर्म मैं कर दूंगी आपको वर्ल्ड सी टर्टल ये हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सी टर्टल ऑब्जर्व होता है आपका 16 जून को 16 जून को वर्ल्ड सी टर्टल नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्टॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना स्क्वाश कोर्ट यानी कि जो आप लॉन्ड टेनिस खेलते हैं उसके सामने पर्सन नहीं रहेगा एक पूरा आपका वॉल रहेगा तो स्क्वाश कोर्ट जो खोला है वो कहां पे खोला गया है स्क्वाश कोर्ट खोला गया है आपका न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन हमजा आब्दी बाड़े ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं हमजा कहाँ के किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमजा आब्दी बाड़े बन गए हैं ये बताएंगे तो सोमालिया के बन गए हैं हमजा आब्दी बाड़े नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत हॉस्पिटल जहाँ पे 2400 बेड्स रहेंगे प्राइवेट अस्पतालों में तो आप बताएं कि अमृत हॉस्पिटल ये कहाँ पे खोला गया है ये फरीदाबाद में खोला गया है ठीक है फरीदाबाद में अमृत हॉस्पिटल खोला गया है हरियाणा में है उन्मेष फेस्टिवल जो कि एक लिटरेरी फेस्टिवल है ये आप बताएंगे कि कहाँ मनाया जा जा रहा है तो ये मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऑफ कल्चर द्वारा तो ये हिमाचल प्रदेश में ठीक है उन्मेष नेक्स्ट नितिन गडकरी जी ने अभी अभी इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट को किस सिटी में शुरू किया है तो इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी इंडस्ट्री हैं उसमें कम से कम कार्बन का उत्सर्जन होगा तो गलत आंसर इतना इतना प्यार से आई एम रियली सॉरी मत बोलो कोई बात नहीं नेक्स्ट अब सही कर लेना ठीक है हाँ न्यू दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोर्टी सेवेंथ जीएसटी काउंसिल ये कहाँ हेड, होगा जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसकी मीटिंग हो रही है तो देखो आज सैटरडे दे को हम सॉरी तुम लोग से बात नहीं कर पाते हैं मैसेज देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है उसका रिप्लाई कर देते हैं यहाँ पे आज बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं सैटरडे वीकली है तो इसीलिए आप लोग थोड़ा बस आंसर क्वेश्चन आंसर पर आज के दिन फोकस कीजिए ठीक है तो ये श्रीनगर है श्रीनगर में आपका ये मीटिंग हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रिंस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसको अपॉइंट किया है न्यू चीफ बच्चे भी ज्यादा अतरंगी नहीं होते हैं टीचर अगर ज्यादा बात करेंगे तो बच्चा पढ़ाओ बात नहीं करो और जिस दिन अगर टीचर एकदम बोलेंगे नहीं 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 आज बहुत चीज पढ़ना है तो मैडम बात बात करो करो मतलब मम्मी जैसा ट्रीटमेंट देते हो तुम लोग ठीक है जैसे मम्मी से नहीं अटेंशन सीकिंग होता है वैसे ही आप लोग का हमसे भी एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ पे रंजन प्रकाश देसाई जी यहाँ बन गए हैं इसके पी के चेयरपर्सन तो ये दस क्वेश्चन हुए आपके कितने मार्क्स आए जल्दी बताओ अमनदीप सिंह गिल ये तो यूएन में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है ना तो मुंबई चले जाओ फाइनल पंच चाहिए ठीक है ओके okay. तो अच्छा मार्क्स आया है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन है बहुत बढ़िया पहले आंसर आ चुका है पीएन वासुदेवन जो है वो एम डी हैं है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिप्यूटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एक्विजिशन सस्टेनमेंट फॉर विच कंट्री तो देखिए भारत ओरिजिन की राधा यंगर ये बन गई है डिप्यूटी मतलब जो भी चीज इस कंट्री में खरीदा जाएगा डिफेंस एक्विजिशन किया जाएगा वो यही अप्रूव करेंगी तो ये अमेरिका की बन गई है ठीक है अमेरिका की ये बन गई है नेक्स्ट नेक्स्ट एलीट पैनल आईसीसी एलिट पैनल में भारत के कौन से एम्पायर हैं इंडियन एम्पायर जिनको रिटेन किया गया है तो एलीट पैनल में अभी अभी नितिन मेनन जी को रिटेन किया गया है ये कंटिन्यू करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति गाथा क्रांति गाथा प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेट किया है गैलरी जिसमें इंडियन रेवल्यूशनरी के बारे में जो भी हमारे देश में क्रांतिकारी थे उनके बारे में क्रांति गाथा तो इसको इनोग्रेट किया गया है कहाँ पे ये महाराष्ट्र में जो राजभवन है यहीं पे इसको इनोग्रेट किया गया है इसको ध्यान रखेंगे राजभवन में ये मुंबई महाराष्ट्र में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एवर इंडिया जापान फिनेंस डायलॉग इंडिया जापान के बीच में फाइनेंस के लिए बात हो रही है फाइनेंस डायलॉग ये कहाँ पे होगा ये होगा आपका न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर का कंजर्वेशन सूजल फॉर वाटर कंजर्वेशन ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है तो पानी का जहां दिक्कत होगा वहीं होगा आपको लग रहा होगा राजस्थान लेकिन नहीं ये है हरियाणा हरियाणा में आपके पंचकुला में जहां पे इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है यहीं पे आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने सूजल परियोजना को शुरू किया है अगला सवाल है कि श्रृंगार सांगरीला ला का मतलब होता है दर्रा दर्रा का मतलब होता है पास पहाड़ों के बीच में जो स्पेस होता है जिससे आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे उसको हम लोग पास कहते हैं तो सांगरीला पास का टॉक्स हुआ है तो ये पहाड़ सिंगापुर में है और वहां पे बात हुई बात, हु, बात हुई है जैसे हमारा रायसेना डायलॉग होता है दिल्ली में जगह है रायसेना हिल्स तो उसको रायसेना डायलॉग्स कहते हैं अड़ावली का पार्ट है तो ये हो गया आपका सिंगापुर का सांगरीला गोपी चंद नारंग जी का निधन हो गया है क्या आप बता सकते हैं कि गोपी चंद नारंग जी क्या थे सिंगर थे एक्टर थे जर्नलिस्ट थे या फिर लिंग्विस्टिक थे गाइज ऐसे नहीं करो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो मेहनत की है हमने उसको आज आपको बताना है ठीक है तो ये लिंग्विस्टिक थे और इन्होंने आ, इनको भारत में पद्म भूषण और साहित्य नाटक साहित्य अकेडमी भी मिला है और ये गोपीचंद नारंग जी हैं जो कि उर्दू पढ़ाते थे ठीक है टाटा के साथ आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए टाटा के साथ गठबंधन किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने किया है यह बताइएगा ये टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ किसने गठबंधन किया है गाइज आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा उससे क्या फायदा होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को सेशन पसंद आ रहा है उसी हिसाब से आपको आपका मैराथन डिसाइड किया जाएगा है ना तो कुछ कुछ डेटा आजकल देख हो बहुत इंपॉर्टेंट okay? okay. तो ये है तमिलनाडु आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आप तमिलनाडु ने टाटा के साथ पार्टनरशिप कर ली स्टील बनाते समय देखिए चार टन कोयला एक टन आयरन और कुछ परसेंट कार्बन का यूज होता है है ना तो और भी चीजें हैं स्टील बनाते समय जो आपका मेन स्टील निकलता है उसके साथ बहुत सारे स्लैग्स भी निकलते हैं स्लैग यानी कि इम्प्योरिटी या फिर uh, un, जो यूज नहीं किया जाएगा हाँ तो तुम क्या वही कर रहे हो क्या शदाब तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहां पे बनाया जा रहा है बहुत बढ़िया उससे रोड तो ये है सूरत में अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जल्दी से बताओ इस दस में कितने सही हुए गुड इम्प्रूव कर रहा है हर एक स्टूडेंट का आई एम कि जिसको सात आठ आ रहा है वो भी अब दस में दस एक एक सेट में सबका दस में दस आया है एक्सेलेंट बहुत बढ़िया ऐसे ही इम्प्रूव होगा करंट करेंट अफेयर से होता है और कुछ नहीं है अब देखिए बहुत ये तो पता है ये इसमें क्या ही कितना बार पढ़ेंगे इसको तो ये इंटरनेशनल योगा डे इक्कीस जून को मनाया जाता है योगा फॉर ह्यूमैनिटीज बार का थीम है मैसूर में इसको मनाया गया है हाइड्रोग्राफी डे यानी कि पानी पे बात चल रही है जो जल जीव हैं तो ये भी आपका 21 जून को मनाया जाता है और इस बार यूनाइटेड नेशन ओशन डिकेड यानी कि साल जो है दस साल हम ओशन को डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिटियस तो सोलि जो है वो भी 21 जून को मनाया जाता है विंटर होता तो 22 दिसंबर होता ठीक तो ये आपका 21 जून हो गया ये तीनों 21 जून हो गया फिर म्यूजिक डे कुछ बजाते हो जाते हैं गिटार तबला हारमोनियम तो बताइएगा हमको बड़ा इंटरेस्ट रहेगा आपकी तो हर क्लास पसंद आती है लाइक करते हैं बस आप बोल रही हैं तो मैं कर देता हूँ अच्छा दो बार मत कर देना बस ठीक है इक्कीस जून को मनाया जाता है नेक्स्ट आप बताएंगे ह्यूमैनिस डे देखो सब कुछ इसमें बड़ा इजी है सब तुम्हारा इक्कीस जून का है तो ये भी इक्कीस जून है नेक्स्ट नेक्स्ट आप बताएं कि देखो 1966 1966 अभी तक 1966 से का रिकॉर्ड था कि यहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई थी लेकिन अब इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है तो ये मनीस्वरम है गारो खासी जैंतिया खासी में ये पहाड़ ये जो गांव है खासी पहाड़ों में ये गांव है मनीस्वरम 1966 से लेकर अभी तक चौबीस घंटे के अंदर अंदर एक हजार तीन मिलीमीटर बारिश यहां हो चुकी है इसके पहले चेरा में होती थी मनेश्वरम में होती है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 498 रन बनाकर कौन सा कंट्री ने एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है तो ये कंट्री कौन सा है ये आपका है इंग्लैंड ठीक इंग्लैंड और इंग्लैंड में आपको पता होगा कि थर्टी दिसंबर 1600 में क्या हुआ था जब एलिजाबेथ वन थी क्या हुआ था इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बना था ईस्ट इंडिया कंपनी और आपको पता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था डैनिश यानी कि डेनमार्क के लोग जो कि 1875 के अप्रोक्स अपना सब कुछ बेचकर अंग्रेजों को चले गए थे ये सारी कंपनी प्राइवेट थे सिर्फ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिक्सटीन में बना था वो आपका सरकारी कंपनी था बाकी सब प्राइवेट थे ठीक है तो यहां से सबसे पहले कौन गया था यह भी आपको पता होगा 1608 में कैप्टन हॉकिंस गए थे किस पे बैठ के रेड ड्रैगन पे बैठ के और उसके बाद थॉमस रो गए थे जिसको खुद जेम्स वन ने भेजा था तो ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड भी इंग्लैंड देख के पता नहीं अचानक से हिस्ट्री निकल आया मोदी जी ने इनोग्रेट किया द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च किस सिटी में हाँ. मोदी जी ने इसको कहां पे इनोग्रेट किया है इसको इनोग्रेट किया गया है आईआईएससी बेंगलुरु में आई बेंगलुरु में इसको इनोग्रेट किया गया है ओके नेक्स्ट आप बताएंगे कि इन विच कंट्री कुफगुल लेक नेशनल पार्क वाज एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व तो ये लेक कहां पे है गाइज ये है कहां पे रशिया और ठीक है मंगोलिया के बीच में तो ये मंगोलिया में ओके नेक्स्ट देखिए मेघालय में एक चीज मिला है जिसका नाम है नस। तो ये नस जो है ये क्या है ये है चमगादड़ बैट ठीक है बांस के अंदर घुस के रहता है ये लोग फिर हाँ इस सेट में कितना मार्क्स आया जल्दी से बता दो यार इसमें तो अच्छा आया होगा क्योंकि मैंने देखा है सबके सारे ही सही है चमगादड़ हमको बोल रहा हूँ बिकॉज माई जर्सी इज ब्लैक लाइक रियली हाँ तो इसमें ज्यादातर लोग हैं जिनके दस में दस आए गुड ओके फिर नेक्स्ट आप बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये सॉलिडेटरी यानी कि जो एस का मीटिंग हुआ है इंडिया में ही हुआ है है ना तो लेकिन इसमें कौन सा कंट्री बोला है कि ज्वाइंट बॉर्डर साथ में मिलके हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं ये चाइना है चांदनी चौक टू चाइना पेमेंट विजन 2025 किसका है पेमेंट देखो बहुत सारे क्वेश्चन है थोड़ा जल्दी करो पेमेंट विजन 2025 जो है ये आरबीआई का है कि सबको जो है अपना डिजिटल पेमेंट करेगा यही काम है एम एफ आई एन जो आपका माइक्रो फाइनेंस लोन होता है पहले सबसे ज्यादा लोन पेंडिंग वेस्ट बंगाल का था लेकिन अब ये जो है तमिलनाडु का है बस यही न्यूज ठीक है नेक्स्ट इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में एमडी और सीईओ कौन है तो ये तो पढ़े ही है ना वासुदेवन पीएन ठीक है नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपनी है जो की इंडिया मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स इसको अभी खोलने वाला है तो मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स को रिलायंस जियो नहीं कर रहा है हर चीज अंबानी नहीं करते हैं एयरटेल कर रहा है गुड भारतीय एयरटेल भी लिख रहा है लोग स्विस बैंक में आपका कितना पैसा जमा है कोई एसएससी एस का तैयारी कर रहा है तो बोल रहा होगा कि मैडम बताएंगे हम

तो ये कहा जाएगा ये किया जाएगा पुणे में पुणे में ठीक है रंगभूमि भूमि मराठी रंग में इसको मेंटल हेल्थ को उजागर करने के लिए लोगों को बताने के लिए ऐसा भी होता है डार्क स्काई रिजर्व डार्क स्काई रिजर्व ये आपका कहां पे है ये लद्दाख में है ठीक है तो ये बेसिकली क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लद्दाख के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है आर के माथुर जी और यहां पे बात की जा रही है कि हम लोग डाई स्काई रिजर्व एट हेनली जगह है है पे पे ठीक है? नेशनल पार्क भी था। तो अब यहां पे बात की जाएगी योगा सूट बनाया गया है जो लोग स्पेस में जाएंगे उनके लिए बनाया गया अच्छा क्या हो गया नहीं याद है आंसर अभी रिसेंट वाला है ना ज्यादा मजाक नहीं हो रहा है जल्दी बताओ कि सबसे बड़ा मछली कहां मिला है ओके मेकोंग रिवर कंबोडिया एक बार हम एक चीज बोलेंगे आप लोगों को ये जो एशियान कंट्री है ना उसमें मेकॉन्ग रिवर कहाँ कहाँ चलता है और लास्ट में कहा से फ्लो करता है ये देख लीजिएगा मेकांग मेकॉन्ग रिवर जो है वो लास्ट में किस कंट्री में फ्लो करके समुद्र में मिलता है ये क्वेश्चन आ चुका है ठीक है इसको बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में कंथार ब्रांड्स के अकॉर्डिंग एप्पल अच्छा कंपनी है ठीक है लेकिन अपना नहीं है तो इंडिया का बेस्ट कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सा है तुमको भूख लग गई है उनको ज्यादा भूख लग गई है रुक जाओ थोड़ा देर खाना का बात कोई नहीं करेगा टीसीएस है फोर्टी सिक्स okay. ओके नेक्स्ट दिव्यांग क्रिकेट टीम लाइव बॉय है यहां तंदुरुस्त लाइव बॉय कप तो ये आप बताएंगे कि इसमें किसको हरा के हम लोग जीते हैं हम लोग हराए हैं नेपाल को नेपाल को हराए हैं फिर से बता रहे हैं हमारे टीम के जो कैप्टन उनका नाम है सैयद शाह अजीज योगा का थीम क्या था योगा का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी सबको याद है बहुत बढ़िया फिर आप बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां हो रहा है 2022 कतर में हो रहा है चार साल बाद 2026 हो जाएगा 2026 कहां होगा तो ये सब जगह होगा लॉस एंजलिस यूएसए टोरेंटो कैनेडा एंड मेक्सिको सिटी ओके फाइन नेक्स्ट तो अभी ये नया सेट है अपना अपना स्कोर बताते जाना हर दस क्वेश्चन के बाद ज्यादा मजाक नहीं नीरज चोपड़ा जी ने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत लिया है कुरातेने गेम्स में तो ये 2022 में ये कहां पे हुआ है ये गेम्स ये फिनलैंड में हुआ है अगला क्वेश्चन है कि एफ आई एच विमेन हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट किस कंट्री को हराकर हमने जीत लिया है तो ये वुमेन हॉकी जो है हमने किसको हराया अर्जेंटीना को हराया है ना अर्जेंटीना को, को हमने हरा दिया है और जीत लिया है फिर आप बताएंगे अग्निवीर में सीएपीएफ और असम राइफल को कितना परसेंट का रिजर्वेशन मिलेगा तो ये कितना परसेंट का रिजर्वेशन मिलेगा गाइज दस परसेंट तक का रिजर्वेशन मिलेगा ठीक है मोदी जी 920 करोड़ प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर किस शहर में इन्होंने खोला है दिल्ली में अगला क्वेश्चन इंडिया एंड बांग्लादेश फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग कर रहा है कहां पे किया जा रहा है ये मीटिंग ये मीटिंग भी न्यू दिल्ली में किया जा रहा है यूनिसेफ कहता है कि कितने बच्चे 2021 में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बहुत सारे जो कारण हुए हैं उसके संघर्षों के कारण इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है। डिस्प्लेस हो गए अपने घर से बाहर चले गए 12 वाली सीडीएस की क्लास क्यों नहीं होती अच्छा 36 मिलियन देखो एक जुलाई से जो भी आप बैचेस में है ना उसकी क्लासेस फिर से आपकी कंटिन्यू हो जाएगी एक जुलाई ठीक नेक्स्ट आप देखेंगे कि टैक्स हम लोगों ने कितना नेट डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट तीन लाख उनचालीस हजार दो सौ पच्चीस करोड़ हमने जमा किया है कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड हिस्ट्री प्रिजर्वेशन बोर्ड तो विच इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट को यहां पे हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए इंग्लैंड में बुलाया गया है नायरिता चक्रवर्ती को छत्तीस के पेसर यानी कि फास्ट बॉलर कैथरीन ब्रुंट ने रिटायरमेंट ले लिया है किस कंट्री की है कैथरीन कैथरीन है इंग्लैंड की मेन सिंगल टाइटल ऑफ इंडोनेशिया ओपन किसने जीता है विक्टर एक्सलसन ने जीता है कौन सा कंट्री फोर्टीन ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला है चाइना करने वाला है डब्ल्यू की मीटिंग कहां हो रही है यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही है सबसे अच्छा साउथ एशिया में और इंडिया में बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कौन सा है यस yes, आंसर आ रहे हैं गुड अच्छा है स्पीड अच्छा है थोड़ा सा और आप लोग इंप्रूव करें जो लोग नहीं दे रहे हैं उनसे यह दरखास्त है की कंपटीशन में पीछे मत रह जाइए ये बेंगलुरु का है ठीक है अगला क्वेश्चन कि मिलाद कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया कहाँ का ये बैंक ये है आपका कर्नाटका का दिल्ली हाँ कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं दिल्ली हाँ कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं सतीश चंद्र शर्मा और दिल्ली हाँ कोर्ट के हैं लेकिन इनको ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट ठीक है ये नहीं कि गवर्नर चले जाना या यहाँ तो होते ही नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मत जाना दिल्ली में तो चीफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही करते हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि यूएस कैनेडा रुथ ओजेकी यूएस कैनेडा रुथ ओजेकी एक सेकेंड या बताएंगे कि कौन सा बुक इन्होंने लिखा है ठीक है द बुक ऑफ फ्रॉम एंड एमटीनेस गाइज थोड़ा जल्दी करो फिर आप बताएंगे कि फॉर्मूला वन कैनेडियन ग्रेन प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है एफ वन रेसिंग में तो ये जीतने वाले हैं मैक्स वेस्ट चैपियन इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं हम लोगों ने पढ़ा है काफी बार एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप तो इनका नाम ही है रोनाल्डो तो यही जीतेंगे ना रोनाल्डो ने साइकिलिंग में जीता याद रखेगा भारत का पहला मेडल जो कि गोल्ड भारतीय संविधान अनकही कहानी किसने लिखा है भारतीय संविधान अनकही कहानी ये लिखा है राम बहादुर राय जी ने एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ठीक है एक से. बाकी आपको पता है कि अगर आपको बैचेस में इनरोल होना है तो आपको क्या करना होगा तो कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो बैचेस में अगर आपको एनरोल करना है तो ये है आपका एसएससी का बैच ठीक है और मतलब ये एस एस सी मैकेनिकल सिविल सबका बैच है डी डी ए ए आई का बैच है ये और ये आपका महापैक हो गया अगर आप डिफेंस के महापैक में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एफ कैट सी डी एस सी ए पी एफ सारे बैचेस मिल जाएंगे कोड आप वाई तीन सौ बत्तीस यूज कर सकते हैं वाई थ्री थ्री टू इज द कोड जिसको आप यूज कर सकते हैं बस आपको क्या करना है एक सेकेंड यहाँ पे आपको गूगल में आना है गूगल में आपको इस पे जाना है और यहाँ पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में जाके इस वेबसाइट पे जाएंगे ऑल कोर्सेज में जाएंगे ऑल कोर्सेज में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिसकी भी तैयारी करें, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे गेट इंजीनियरिंग की भी देख सकते हैं तो अगर आप जैसे कि कोई भी एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको क्या करना है कि एफ कैट में जाना है यहां पे व्यू ऑफर्स में जाना है और कोड यूज कर लेना है वाई तीन सौ बत्तीस ऐसे करके आप सब में डिस्काउंट ले सकते हैं और बैचेस में एनरोल कर सकते हैं ठीक है वाई थ्री थ्री टू कोड यूज किया मैंने कंटिन्यू करेंगे अपना नाम लिख लेंगे और फिर पेमेंट कर देंगे सो थैंक यू फॉर द सेशन होपफुली आपको पसंद आएगा थैंक यू